Friends, how are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. Friends, सर्दियाँ आने वाली हैं और इस change of season में लोगों को सर्दी जुकाम खांसी की problem अक्सर आएगी. तो सर्दी के लिए मैंने आगे एक video डाला था और वो काढ़ा बनाया था golden water. उसका मैं link आपको दे दूँगी, जो कि बहुत ही effective है, magical है. और आज मैं खांसी के लिए स्पेशल एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि घर की बनी हुई रेमेडी है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. और उसके लिए हमें चीजें भी बहुत कम चाहिए होंगी. जब भी खांसी आती है तो बाहर से हमें दवाई तो मिल जाती है, लेकिन जो घर की बनी हुई आयुर्वेदिक अगर मेडिसिन लें तो उससे जल्द आराम मिल जाता है और इजी होती है. घर पर सभी चीजें अवेलेबल होती हैं और हम लेकर अपना इलाज शुरू कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें जो सामान चाहिए मैं आपको बताती हूँ. ये हमने अदरक ली है, तुलसी ली है, थोड़ी सी काली मिर्च है, गुड़ है और साथ में शहद है. तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बनाना शुरू करते हैं खांसी और जुकाम और कंजेशन के लिए रेमेडी घर की बनी हुई. तो सबसे पहले हमें अदरक को पीसकर इसका रस निकालना है, तुलसी को भी पीसकर इसका रस निकालना है. तो उसके लिए हमें ये हमाम दस्ता चाहिए होगा, जिसमें हम ये दोनों चीजें पीसकर इसका जूस निकालेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अदरक तुलसी का रस निकाल लिया है. तो अभी हम शुरू करते हैं रेमेडी बनाना, घर की बनी हुई आयुर्वेदिक रेमेडी. और इसके लिए हम एक चम्मच अदरक का रस लेंगे. अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हीलिंग में हमारा काम करता है. और अगर हमारा सोर थ्रोट हो, पुरानी खांसी हो, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है. तो एक चम्मच हमने इसमें अदरक का रस लेना है और एक ही चम्मच हमें तुलसी का रस इसमें ऐड करना है. और तुलसी में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं और ये हमारी सर्दी खांसी इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी काम करती है. और हमारे गले के लिए जो भी इन्फेक्शन हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है, उसको दूर करने में हमारी मदद करती है. इसके साथ साथ हम एक चम्मच शहद का ऐड करेंगे. इसमें हमने एक चम्मच शहद का ऐड कर दिया. और जो शहद होती है ये हमारी गले में जो अकड़न है उसे दूर करती है, सूद करता है. और इसके साथ साथ हम दो चुटकी इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे. अच्छे से मिक्स करेंगे. काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये गले में जो अकड़न है, इरिटेशन है, उसको भी दूर करता है. इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है. छाती में जमी हुई जो कफ है उसको भी निकालने में हमारी मदद करती है काली मिर्च. इसके साथ साथ हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे एक चम्मच. और अच्छे से इसको मिक्स करें. गुड़ में विटामिन सी होता है, आयरन होता है और ये हमारे इचिंग को दूर करती है गले में. और गले में जो भी ड्राइनेस हो गई है उसको भी दूर करती है. और गुड़ गर्म होते हैं और सर्दियों में बहुत अच्छा होता है इसे लेना. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रेमेडी बन गई गले में खराश, खांसी, अगर कफ जमी हो, खांसी हो, जुकाम हो, उसमें हम इसको ले सकते हैं. और ये रामबाण है, बहुत जल्द इससे ठीक हो जाता है. 2-3 दिन में ही हमारी खांसी में आराम मिल जाता है हमें. तो इसको बनाने के बाद जो लेने का तरीका है वो दिन में हम 3 से 4 बार ले सकते हैं.
इसको लेने के बाद हमें एक घंटे तक कुछ लेना नहीं है और इसे मॉर्निंग में खाली पेट और रात को सोने के टाइम अगर लिया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बड़े और बच्चे दोनों ले सकते हैं और बच्चों को भी 3 से 4 बार हाथ से हम चटा सकते हैं और ताकि उनकी खांसी जो है वो भी जल्द से जल्द दूर हो सके। घर की बनाई हुई जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं वो इसमें हमने यूज की है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसे बड़े छोटे दोनों ले सकते हैं। तो इस सीजन में खांसी और जुकाम में आप जरूर इसे बनाकर ट्राई कीजिए और आपको जरूर इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो बहुत अच्छा मेडिसिन है और जो कि सब चीजें घर में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।